न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के खास प्रोग्राम हिडन सीक्रेट्स में। दोस्तों, हिडन सीक्रेट्स में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल के बारे में। अगर देखा जाए तो इस क्यूट से कपल को हमेशा ही बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया गया है। अब जहां ऑन स्क्रीन पर हमेशा ही इन दोनों को खूब प्यार मिला, तो वहीं असल जिंदगी में भी इनके फैंस ने इन्हें खूब चाहा। लेकिन आज अजय देवगन अपनी पत्नी काजोल को लेकर इतना बड़ा कदम उठा चुके हैं सोशल मीडिया पर कि देखने वाले हैरान हो गए। दरअसल बता दें कि अजय देवगन ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी पत्नी काजोल का व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिरकार क्यों अजय देवगन ने पत्नी काजोल का नंबर यूज सार्वजनिक कर दिया। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि काजोल इन दिनों देश से बाहर है और उनसे बात करने के लिए उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। बता दे कि जब इस नंबर पर फोन किया गया तो काजोल की आवाज में बात भी की गई। जो हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस खास प्रोग्राम में कि आखिरकार क्यों अजय देवगन ने पत्नी काजोल का नंबर शेयर किया और जिस आवाज में काजोल की आवाज सुनाई पड़ रही थी, क्या है उसके पीछे का पूरा राज। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। इन दिनों बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। हमेशा ही बड़े पर्दे पर अपने सिंघम वाले अवतार में नजर आने वाले अजय देवगन अपनी निजी जिंदगी में इतना मस्त हो सकते हैं, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, अजय देवगन जो अपने शर्मीले व्यवहार की वजह से जाने जाते हैं, ठीक उल्टा इसकी दूसरी तरफ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस काजोल जो अपने मस्ती भरे अंदाज के लिए जानी जाती है। लेकिन इन दिनों अजय देवगन ने पत्नी काजोल संग ऐसा मजाक किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। दरअसल बता दें आप सभी को कि अजय देवगन ने पत्नी काजोल का व्हाट्सएप नंबर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर जितना गहरा धक्का आप सभी को लगा है, उसी तरह से हर कोई हैरान हो गया था ये देखकर कि क्या वाकई अजय देवगन ने पत्नी काजोल का नंबर व्हाट्सएप शेयर किया है। बता दें कि नंबर शेयर करने के बाद लोगों ने काजोल से बातें करने के लिए खूब मैसेज लिखे। कुछ ही घंटों में काजोल और अजय देवगन ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। हर कहीं सिर्फ और सिर्फ इसी बात के चर्चे होने लगे कि क्या वाकई अजय देवगन ने जो नंबर शेयर किया है वो काजोल का है। खबरों की माने तो जब इस नंबर को ओपन किया जा रहा था तो इस पर काजोल की फोटो लगी हुई आ रही थी, जिसके चलते लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हर किसी को यही लग रहा था कि वाकई अजय ने काजोल का नंबर शेयर किया है। और कुछ ही घंटे में ये दोनों हर कहीं चर्चा में आ चुके थे। वहीं किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अजय देवगन ने काजोल का नंबर शेयर क्यों। लेकिन बता दें आप सभी को कि बाद में इस बात का भी खुलासा हुआ कि अजय ने किया है प्रैंक और उन्होंने काजोल का ये नकली नंबर शेयर किया है सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ बता दें कि एक यूजर ने तो लिखा कि काजोल मैम आप ऑफलाइन हो जाओ, नंबर लीक हो गया है, पति की क्लास लो, डिनर मत दो और सोफे पर सुलाओ। यानी हर किसी को लग रहा था कि वाकई बेहद सीरियस दिखने वाले अजय ने ये कदम गलती से उठा लिया है और अपनी ही पत्नी काजोल का नंबर शेयर कर दिया। लेकिन साथ ही साथ बता दें कि इसके कुछ समय बाद ही अजय देवगन ने ये बताया कि वो तो सिर्फ प्रैंक कर रहे थे, यानी उन्होंने किया था हर किसी के साथ मजाक और काजोल का कोई भी नंबर लीक नहीं किया गया है। बता दे दोस्तों कि काजोल का नंबर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया तो तभी उनके पास तरह तरह के मैसेज किए जाने लगे। इतना ही नहीं, उनके पास कॉल्स भी की गई और रिपोर्ट्स की माने तो जब कॉल की जा रही थी तो काजोल की आवाज सुनाई पड़ रही थी, यानी वो एक रिकॉर्डेड आवाज थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आखिरकार खुद ही पति अजय देवगन ने ये बात भी हर किसी को बता डाली कि वो तो सिर्फ प्रैंक कर रहे थे, यानी ये नहीं थी कोई भी सीरियस होने की बात। और अब इससे ये तो साफ हुआ कि सीरियस दिखने वाले अजय अपनी जिंदगी में काफी मस्ती खोर है और वो जब मजाक करते हैं तो वो ऐसे मजाक कर देते हैं कि हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है।
अब इसका ये एग्जांपल तो आप सब ही देख चुके होंगे। वेल, अगर बात की जाए काजोल के बारे में, बता दे दोस्तों कि काजोल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हेलीकॉप्टर इला को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। इस फिल्म में वो एक ऐसी माँ का किरदार निभाने वाली है जिसमें वो अपने बेटे के आगे पीछे घूमती रहती है। वहीं बता दे कि जब उनसे उनकी फिल्म के बारे में बात की गई तो काजोल ने ये कहा कि वो अपनी असल जिंदगी में तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, यानी जहाँ हेलीकॉप्टर इला में एक माँ के किरदार को दिखाया गया है उसके बेटे के पीछे घूमते घूमते, वहीं काजोल अपनी जिंदगी में ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वह बता दे कि हमेशा ही वो किसी ना किसी बात के चलते चर्चाओं में बनी होती है, फिर बात हो चाहे उनके बड़बोले अंदाज की या फिर बात हो उनके कुछ नए राज खोलने को लेकर, फिर बात चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा ही अंजलि कहें या फिर सिमरन यानी काजोल हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। हिंदी सिनेमा की जानी मानी अदाकारा काजोल, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, उनकी एक्टिंग को तो हमेशा ही पसंद किया। साथ ही साथ किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ उनकी जोड़ी को भी हमेशा ही बड़े पर्दे पर खूब सराहा गया है। अब बता दें कि जब एक बार शाहरुख खान फिल्म बाजीगर की शूटिंग के दौरान काजोल को सलाह देते हैं और कहते हैं कि उनको एक्टिंग की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, तब शाहरुख उन्हें कहते हैं कि उनको और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब इस बारे में सुनकर काजोल सोचती हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, फिर भी शाहरुख उन्हें ऐसा बोलते हैं, और उस समय काजोल सोचती हैं कि कभी कभी शाहरुख कुछ भी बोल देते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही स्टार्स को बड़े पर्दे पर दर्शकों ने खूब प्यार दिया है, लेकिन शाहरुख जो देते हैं काजोल को सलाह, काजोल को लगता है कि वो तो कुछ भी बोल देते हैं। बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस काजोल ने हाल ही में फिल्म प्रमोशन के दौरान कहा वो अच्छी स्क्रिप्ट मिलने पर नेगेटिव किरदार निभा सकती है। काजोल ने अब तक रोमांटिक और कॉमेडी में भरपूर किरदार किए हैं। काजोल के नेगेटिव किरदार की बात की जाए तो फिल्म गुप्त में काजोल ने नेगेटिव किरदार निभाया गया था। बता दें कि जब एक इंटरव्यू के दौरान काजोल से पूछा गया क्या वो फिर से नेगेटिव किरदार निभाना चाहती है तो काजोल ने सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने ऐसा सोच कर नहीं रखा है कि वो कभी नेगेटिव किरदार या खलनायिका वाले किरदार नहीं निभाएंगी। वो निभा भी सकती हैं, लेकिन उनके पास जब तक ऐसी कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आती तब तक वो नहीं निभाएंगी। अगर उन्हें नेगेटिव किरदार भी करना है तो ये सारी ही बातें स्क्रिप्ट पर डिपेंड होती हैं कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट उनके हाथ में आती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल जो हमेशा से खबरों का कारण बनी रहती हैं, हाल ही में काजोल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन के बॉलीवुड एक्टर हैरान हो जाएंगे। दरअसल काजोल का मानना है कि किसी भी अभिनेत्री की फिल्म सलमान की फिल्मों की तरह 500 करोड़ रुपए का मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष और महिला कलाकारों के बीच वेतन असमानता की बात लगातार चल रही है और हाल ही में इन दिनों में कई अभिनेत्रियों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। इस मुद्दे पर काजोल ने कहा कि मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस संग्रह के साथ ये मुद्दा काफी हद तक बड़ा है और इसमें लिंक निश्चित रूप से मुद्दा है, लेकिन अगर आप देखें तो किसी अभिनेत्री की फिल्म 500 करोड़ का व्यवसाय नहीं कर सकती जैसे कि सलमान खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करती है। अभिनेत्रियां फिल्म की सफलता का अभिनय हिस्सा भले ही है लेकिन आखिरकार ये एक व्यवसाय है। आपको बता दें कि काजोल की फिल्म हेलीकॉप्टर इला 12 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल जो कि अपने चुलबुले अंदाज के जानी जाती हैं, हाल ही में काजोल ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो शेयर की और काजोल इस फोटो में नो डाउट लग रही है काफी खूबसूरत। आप सभी को बता दें कि काजोल ने फोटो शेयर करते हुए पिक्चर को कैप्शन दिया व्हेन यू लुक इन द मिरर व्हाट डू यू सी। वेल, इसके बाद लगातार काजोल की इस फोटोज पर कमेंट आने लगे। जी हाँ, हर कोई यहाँ पर काजोल के लुक की तारीफ करने लगा। मैं आप सभी को बता दें कि काजोल जो की फिल्मों में अपने चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन जब काजोल के ग्लैमर अंदाज की बात होती है तो भाई काजोल अपने स्टाइल स्टेटमेंट में अलग अलग अंदाज को अडैप्ट करने में भी पीछे नहीं हटती। जी हाँ, अक्सर वो अपने लुक्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आती है।
वेल, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अजय देवगन ने पत्नी काजोल के नंबर को लेकर किस तरह से मजाक किया है। यानी अजय देवगन ने पूरी तरह से काजोल के नंबर को लेकर कर डाला है सोशल मीडिया पर प्रैंक, जिसे देखकर एक बार को तो हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि किसी को भी ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्यों अजय देवगन ने पत्नी काजोल को लेकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन वहीं कुछ समय बाद ही अजय देवगन ने दूसरा ट्वीट कर ये बात भी क्लियर कर दी कि ये हर किसी के लिए प्रैंक था। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इस तरह किसी का नंबर शेयर करना वाकई काफी हैरान करने वाली बात है। तो वहीं अगर देखा जाए तो जब ये खबरें आई कि अगर उनके नंबर पर फोन किया जा रहा है तो वाकई काजोल की आवाज सुनाई पड़ रही है। लेकिन बता दें कि एक रिकॉर्डेड आवाज थी जो फोन करने पर सुनाई पड़ रही थी। तो ये थी इस बात की पूरी सच्चाई। वेल दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।